ओके, सब्जेक्टिव शीट नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो एक टर्न है और करंट की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर है। इफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज, ये क्या गिवन है, मिली टेस्ला, तो बी की वैल्यू क्या गिवन है, 0.20 मिली का मतलब 10^-3 टेस्ला। फाइंड रेडियस ऑफ द लूप, तो बी का फॉर्मूला सर्कल के सेंटर पे म्यू नॉट बाई 4π 2πi/r। तो आपको इस क्वेश्चन में बी गिवन है, आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, और आई गिवन है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्या पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट? यस सर। व्हाट करंट हैज टू बी मेंटेन्ड इन अ सर्कुलर लूप ऑफ 50 टर्न्स, क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स, क्या गिवन है, रेडियस, मीटर में कन्वर्ट कर लेना प्लीज, इन ऑर्डर टू जस्ट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी किया नहीं है, अगला चैप्टर है, इसको छोड़ दो प्लीज, जब हम कर लेंगे अपने आप हो जाएगा सॉल्व। फोर्थ में, फिफ्थ में, फिफ्थ में ये क्वेश्चन ऐसा हमने किया हुआ है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि एक लूप में करंट ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, यहाँ होगी, तो म्यू नॉट बाय 4π 2πi/r, ठीक है, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा, तो B कहाँ पर होगा, ऊपर होगा, तो ये आपके पास क्या है, B, तो B की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट बाय 4π 2πi/r, राइट। तो बी और बी 90 डिग्री, तो ये क्या है बेसिकली, परपेंडिकुलर, तो नेट बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, यहां पर अंडर रूट ऑफ 2b। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट। 6 में टू आइडेंटिकल सेम क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नेट मैग्नेटिक फील्ड, सेम क्वेश्चन है, ये देखो इसमें करंट कैसे है, ऐसे बी इधर, इसमें करंट कैसे है, ऐसे बी इधर, तो बी और बी 90 डिग्री पे है, तो रूट बी आंसर है, बस फर्क ये है कि बी बराबर नहीं होगा, इसमें 3 एम्पियर का और उसमें 4 एम्पियर का, तो आंसर B1 B2 आएगा, जो आंसर है वो B1 एंड B2 आएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रेट वायर जिसकी लेंथ आपको गिवन है इज बेंट इनटू अ सर्कुलर शेप, तो 2πr इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। अगर वायर में करंट कितना है, आई की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड बिफोर बेंडिंग एट अ पॉइंट डिस्टेंस 0.01 मीटर या 0.01 टाइम द रेडियस ऑफ द सर्कल formed from it, मतलब if the wire were to carry a current of 5 ampere, तो current आपको given है, calculate magnetic field due to it before bending at a point distance इतने इतने time the radius of the circle formed from it। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें radius निकाल लेंगे, जो कि मैंने निकाल लिया। अब ये जो wire है इसमें जो भी current है कितने डिस्टेंस पे, 0.01 टाइम्स रेडियस, रेडियस हमने निकाल लिया, इतने डिस्टेंस पे बी की वैल्यू आप निकाल लेना, इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट लगेगा, ठीक। ऑल्सो कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, तो सेंटर के ऊपर निकालना है, तो बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4π 2πi/r आंसर, तो दो बी निकलेंगे, तो एक भी क्या निकलेगा, एक भी निकलेगा सेंटर पे और एक भी निकलेगा इनफाइनाइट वायर की वजह से, इसमें शायद एक ही आंसर गिवन है, दो आंसर देने चाहिए थे इसे। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट 8th में डाउट, 9th में डाउट? यस सर। 9th में किया हमने इस, अगर यहां पे आपको बी की वैल्यू निकालनी है इसके सेंटर पे, तो अगर आपको बी की वैल्यू यहां पे निकालनी है तो इसका और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन म्यू नॉट बाय 4π πi/r, और कहां पे करंट की जो जो बी होगा वो कैसे होगा, इनसाइड।
तो ऐसे ही इसका कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर जीरो, और यहां पर क्या होगा, यहां पर बी कैसे होगा, आउटसाइड, आउटसाइड। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ में ना एक काम करो प्लीज, काफी फिगर्स में कंफ्यूजन रहती है, ऐसा लगता है जैसे ये ओपनिंग है, ओपनिंग की वजह से ऐसा लगता है कि ये आर्क का एंगल ढूंढना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही जान के डायग्राम बना रखे हैं। एक्चुअल में आप इसे एज्यूम करोगे इट्स अ स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट, इसे ज्वाइन कर लो प्लीज। अगर मान लो थोड़ी सी ओपनिंग गिवन भी है तो भी आप प्लीज इसे ज्वाइन करके इनफाइनाइट वायर ही लें, तब ये क्वेश्चन हो जाएगा, एक सर्कल का और एक इनफाइनाइट वायर का आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट। देखो 11 में किया था हमने, ओ पॉइंट पर इसका और इसका कंट्रीब्यूशन जीरो, सेमी सर्कल का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई पाई आई बाय आर, इसका फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई पाई आई बाय आर। तो इसकी वजह से क्या होगा, करंट कैसे होगा, इनसाइड, और इसकी वजह से क्या होगा, करंट कैसे होगा, इनसाइड, इनसाइड इनसाइड ऐड करके आंसर आ जाएगा, तो नेट आंसर भी इनसाइड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट, 12th में इस स्ट्रेट वायर की वजह से यहां का कंट्रीब्यूशन जीरो, स्ट्रेट वायर की वजह से यहां का कंट्रीब्यूशन जीरो, तो ये बचा आर्क, आर्क का मतलब ये कितना है, पाई बाय 3, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा आई बाय आर, और थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाय 3, तो यहां पर क्या होगा, फिंगर्स इधर, तो बी इनसाइड होगा। ठीक, उसी तरीके से यहां पे ये करंट है, इसका ये एंगल लेना है अल्फा, और अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, मीन अल्फा इज इक्वल टू 360 माइनस 90, 270, 3 पाई बाय 2, तो फॉर्मूला जाएगा इसमें, इनसाइड का फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट छोड़ दें, 4.42 फिगर मिसिंग है, नहीं गिवन, नहीं ना गिवन, नहीं। 14 में डाउट, 15th नहीं छोड़ दें, 4.44 फिगर मिसिंग है, गिवन नहीं है, गिवन 14th क्या है, 14th में देखो, 14th क्वेश्चन में यहां से यहां तक एक वायर है, तो एक एंगल 0, एक 90, ये सेमी सर्कल का फॉर्मूला, इसमें रेडियस क्या पुट करेंगे, डी बाई 2, तो सेमी सर्कल की वजह से म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा आई बाय, मतलब पाई आई बाय आर, फिर इसके लिए भी एक एंगल 0, एक एंगल 90, राइट, तो ऐसे होगा।